माउंटेन बाइक में जो डिस्क ब्रेक आता है तो उसको आप कैसे प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं और कैसे आप सर्विस कर सकते हैं, और उसमें जो नॉइज़ आता है तो नॉइज़ को कैसे बंद कर सकते हैं, तो उसी के पार्ट वन आज वीडियो है और पार्ट टू नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। सो डिस्क ब्रेक की जो मेन पार्ट्स होता है तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये होता है कैलिपर और उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये होता है बैरल एडजस्टर, और ये जो मेन आपको स्टील वाला जो पार्ट दिख रहा है ये होता है डिस्क ब्रेक का जो रोटर, ठीक है। और एक चीज़ ये होता है ब्रेक लीवर जो कि ब्रेकिंग के टाइम में आपको काम आता है। सो क्या क्या सामान आपको चाहिए होगा इसके लिए तो वो बता देते हैं। एक 5mm की एलन की अच्छी ब्रांड की लेना चाहिए आपको, लोकल ना ले तो अच्छा रहेगा। और दूसरा ये क्लीन कॉटन क्लॉथ या माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, डस्ट वगैरह कुछ भी ना हो। और तीसरा मेन चीज़ जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या डिस्क ब्रेक क्लीनर आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों की मार्केट में आपको मिल जाएगा या ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं लूज ब्रेक। ये ज़्यादातर मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में प्रॉब्लम देखने को मिलता है और हाइड्रोलिक में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जो स्टील वायर आपको दिखाई दे रहा है तो इस स्टील वायर की वजह से ये ज़्यादा लूज होता है, मतलब जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं राइडिंग के टाइम में तो इसी के वजह से हार्ड ब्रेकिंग के टाइम ये थोड़ा थोड़ा करके लूज होता जाता है, ठीक है। और एक दिन जाके बहुत लूज होता है और ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं पूरा बाहर आ चुका है। सो ये जो आपको बैरल एडजस्टर दिख रहा है तो इसी की मदद से हम ब्रेक को लूज या टाइट कर सकते हैं। तो ये पहला बेसिक मेथड है, तो इसके बाद हम टूल किट की मदद लेंगे। तो पहले इसको इसकी मदद से हम थोड़ा सा लूज या टाइट करते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो ये जो बैरल एडजस्टर है तो इसको क्या करेंगे, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होगा, जो कैलिपर आपको दिखाई दे रहा है नोटिस कीजिएगा जहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो नीचे की दिशा में जा रहा है, मतलब। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेक लूज होता है, तो अगर आपको ब्रेक थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो थोड़ा सा लूज करना है तो इसकी मदद से आप लूज कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रेक थोड़ा सा लूज लग रहा है, मतलब आपको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं टाइट करूँगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बैरल एडजस्टर है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होगा, ये जो कैलिपर में आप नोटिस करेंगे तो कैलिपर ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो ऊपर की दिशा में जितना जाएगा तो वो थोड़ा थोड़ा करके टाइट होता जाएगा, मतलब थोड़ा हार्ड होता जाएगा, और कैलिपर के मतलब जो अंदर जो ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड और रोटर के बीच में गैप कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो इसलिए क्या होता है ब्रेक थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसमें तो ये तो हो गया बेसिक सा मेथड, मतलब ये तो थोड़ा सा ही काम चलाने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो ब्रेक लीवर है ये बहुत ज़्यादा लूज होता है, मतलब ये देखिए ब्रेक जो लीवर है ये पूरा हैंडल बार तक टच हो रहा है, तो जो कि इतना तक रहता था या उससे भी थोड़ा अंदर इतना तक रहता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है, मतलब एकदम पूरा हैंडल बार तक पूरा टच हो रहा है। तो इसके लिए आपको तो टूल किट की मदद लेना ज़रूरी है, मतलब टूल किट के बिना आप काम नहीं कर सकते। तो चलिए, और ये आप कैलिपर को भी नोटिस कर सकते हैं, तो आप ये सिंगल पिस्टन कैलिपर है, मतलब मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में ज़्यादातर सिंगल पिस्टन ही आता है, मतलब एक साइड मूवेबल है दूसरे साइड फिक्स्ड रहता है। सो कैलिपर के अंदर जो ब्रेक पैड है और जो रोटर है तो उसके अंदर आप गैप को देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, मतलब इसी की वजह से बहुत ज़्यादा लूज है ब्रेक। सो आप ब्रेक कैलिपर जो है उसको भी नोटिस कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा लूज है तो उसको भी टाइट करना पड़ेगा। तो ये जो एयर दिख रहा है और ये जो कैलिपर आपको दिख रहा है तो एक कैलिपर को थोड़ा सा इतना ऊपर तक लाना पड़ेगा। सो कैलिपर को आप जितना ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ब्रेक उतना टाइट होगा। और ये जो बोल्ट आपको दिख रहा है तो 5mm की जो एलन की है उसकी मदद से हम बोल्ट को थोड़ा सा लूज करेंगे। लूज करने के बाद एक हाथ से हम कैलिपर को पकड़ेंगे और ये जो स्टील का वायर है ये दूसरे हाथ से हम खींचेंगे, नीचे की दिशा में खींचेंगे। सो ब्रेक को आप कितना टाइट रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से कैलिपर को उतना ऊपर रखिए, और रख के ये जो वोल्ट है आप दोबारा उसको टाइट कर दीजिएगा। अच्छी तरीके से टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो आप जब दोबारा राइड करने के टाइम हार्ड ब्रेकिंग करेंगे तो उसी टाइम फिर लूज हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सो मेरा जो कैमरा एंगल है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए आपको डिटेल में दिखा नहीं पाया हूँ। तो रियर जो ब्रेक है उसमें भी सेम तरीके से हम एडजस्ट करेंगे, तो उसमें आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं रियर ब्रेक की तरफ। सो यहाँ पे आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मैं कैलिपर को जब भी ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ तो ब्रेक पैड जो है वो रोटर की तरफ जा रहा है, और जब नीचे रख रहा हूँ, नीचे की तरफ छोड़ रहा हूँ, तो देखिए उसमें गैप हो रहा है। देखिए आप नोटिस कर सकते हैं, ऊपर उठाया, देखिए रोटर के पास आ गया, नीचे रख दिया तो गैप हो गया, मतलब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ब्रेक टाइट होगा, ब्रेक हार्ड होगा,
तो ये तो आपको समझ में आ गया है। तो इसको भी सेम तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, ऊपर उठाया, देखिए गैप कम हो गया मतलब ब्रेक टाइट, और नीचे रख दिया तो गैप ज़्यादा हो गया मतलब ब्रेक लूज। तो अब तो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको भी सेम तरीके से ये जो बोल्ट है इसको लूज़ कर लेते हैं, और लूज़ करने के बाद ये वायर को खींच के जितना ऊपर उठाना है हिसाब करके आप देख के इसको टाइट कर देंगे। तो चलिए, तो इसको पहले खींचते हैं। और ये मैंने पहले से ही खोल के रखा था ये बोल्ट, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। सो इतना तक मेरा ऊपर तक जा रहा है कैलिपर, और रोटर और ब्रेक पैड की अंदर जो गैप है वो थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, मतलब पूरा टच नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सेम 5mm की जो एलन की है उसकी मदद से बोल्ट को फुल टाइट कर देते हैं। एकदम अच्छी तरीके से टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो अब दो तीन दिन बाद आप जब हार्ड ब्रेकिंग करेंगे तो दो तीन दिन बाद वो फिर से लूज हो जाएगा। सो टाइट करने के बाद आप देख सकते हैं रोटर और ब्रेक पैड के बीच में जो गैप था बहुत ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा ही गैप है, मतलब इसका मतलब ब्रेक टाइट हो चुका है। और ब्रेक का जो लीवर है इसमें आप नोटिस कीजिएगा तो पहले जो था ब्रेक लीवर जो था तो हैंडल बार को पूरा टच करता था, और आप देखिए इतना ज़्यादा गैप है, मतलब ब्रेक हार्ड हो चुका है, मतलब पहले जो बहुत लूज था वो हार्ड हो चुका है। और ये दूसरा साइड का जो फ्रंट ब्रेक है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी हैंडल बार को पूरा टच करता था, लेकिन अब देखिए पूरा गैप हो चुका है, मतलब ये बिफोर एडजस्टमेंट देखिए पूरा टच होता था, और ये आफ्टर एडजस्टमेंट देखिए इतना तक आ रहा है, मतलब अंदर एक गैप देखिए कितना तक गैप है। तो फाइनली तो ये हो चुका है। अब दूसरी पॉइंट में चलते हैं, रबिंग नॉइज आप सुन सकते हैं आवाज को। ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों में होता है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो कैलिपर है, कैलिपर का जो दो बोल्ट है ऊपर और नीचे, तो इसको खोल के कैलिपर को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हमें चाहिए सेम 5mm की जो एलन की है उसी की मदद लेना पड़ेगा। तो पहले हम जो ये जो दो बोल्ट है इसको लूज़ कर लेते हैं, पूरा खोलना नहीं है, थोड़ा सा लूज़ करना है। फाइनली ये लूज हो चुका है। तो आप क्या करना है, जो कैलिपर है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से इधर उधर हिला लेना है, मेरा मतलब है कैलिपर को। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो आप लोग कुछ और ही समझ रहे थे। अब जो व्हील है व्हील को एक बार हाथ से घुमा लीजिएगा, और ब्रेक लीवर को अच्छे तरीके से प्रेस करके आप दोनों बोल्ट को दोबारा अच्छे तरीके से टाइट करना है। जब तक दो बोल्ट जो है ये अच्छे तरीके से टाइट नहीं हो जाता है तो तब तक ये जो ब्रेक लीवर आपने प्रेस करके रखा है उसको बिल्कुल छोड़ना मत, नहीं तो बाद में फिर से दिक्कत आ सकता है। तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये हमारा फाइनली टाइट हो चुका है फुल। तो आप फिर से एक बार व्हील को ये जो आवाज़ है मतलब इसको स्क्वेकिंग नॉइज़ बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, ये क्या है? इस पार्ट में हम बेसिक सा एक मेथड यूज किया है। तो इस बेसिक मेथड से 60-70% सॉल्यूशन हो जाता है, और बाकी जो 30% सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसके लिए पार्ट टू है, तो पार्ट टू में वीडियो लाने वाला हूँ। ये जो डिस्क ब्रेक का रोटर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको क्या करेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या डिस्क ब्रेक क्लीनर जो है उसकी मदद से फुल साफ करेंगे। रुमाल में थोड़ा सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्प्रे कर लेंगे, आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी ले सकते हैं।
तो लेके ऐसे डिस्क ब्रेक की रोटर के ऊपर रुमाल की मदद से अच्छी तरीके से रब करेंगे, मतलब क्लीन करेंगे पूरा। दोनों साइड, मतलब रोटर का दोनों साइड पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब पूरा जो इसमें जो ऑयली टाइप का लगा रहता है, ग्रीस टाइप का लगा रहता है, तो पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है, और डिस्क ब्रेक का जो कैलिपर है उसके अंदर थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे ताकि उसके अंदर जो भी डार्ट वगैरह जो कुछ भी रहे तो वो बाहर निकल के आ जाए। सो साफ करने के बाद आप रुमाल को नोटिस कीजिएगा, तो देखिए कितना ज़्यादा मतलब गंदा हो गया है रुमाल। तो पूरा साफ था लेकिन रुमाल आप देखिए पूरा मतलब डार्ट डस्ट जो कुछ भी था डिस्क की रोटर में सब आके रुमाल में चिपक गया है। मतलब डिस्क ब्रेक रोटर फुल्ली क्लीन हो चुका है, ये सरफेस आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। तो ये डिस्क रोटर आप देखिए पूरा क्लीन हो चुका है। तो आप बढ़िया जो रियर डिस्क ब्रेक का जो रोटर है उसको भी सेम तरीके से क्लीन करेंगे। तो फाइनली पूरा क्लीन हो चुका है और रुमाल को भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो रखा है। सो आप देखते हैं चेक करके कि नॉइज़ चला गया है या नहीं। सो फाइनली पूरा एकदम नॉइज़ चला गया है और इस टॉपिक यूज करने के बाद फिर भी आपका नॉइज़ नहीं गया है तो मैं आपको इजी एक क्विक ट्रिक बताता हूँ। सो डिस्क ब्रेक का जो रोटर है उसके ऊपर अच्छी तरीके से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पूरा स्प्रे कर दीजिएगा, पूरा चारों तरफ से स्प्रे कीजिएगा। स्प्रे करने के बाद क्या करेंगे, मैचेस से उसको आग लगा देने का है। तो जैसे मैं किया हूँ तो इससे क्या होगा, जिस डिस्क ब्रेक का जो रोटर है उसमें जितना भी मतलब ऑयल वगैरह जो कुछ भी है तो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं। ख़त्म, तो ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा, बहुत रिस्की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूँगा। और पार्ट 2 नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी।